मध्य प्रदेश कई बार कृषि कर्मण अवार्ड हासिल कर चुका है और क्या अब नई तकनीक पर काम हो रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कृषि कर्मण अवार्ड तो कई बार हासिल किया जा चुका है, अनुसंधान के क्षेत्र में क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं केवीके, उनकी संख्या भी अब सभी जिलों में एक एक हो जाएगी और कुछ जिलों में तो दो दो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे खुल जाएंगे जिनका प्रोसेस चालू है। इन केवीक्यू के माध्यम से जो खेती में नवाचार होता है, जो हमारा टास्क फोर्स है कि कृषकों की आय को दोगुनी करना, हर चाहे वो खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, अथवा हमारे सब्जियां हो, फल हो, इनका प्रति एकड़ प्रति हेक्टर प्रोडक्शन कैसे बढ़े और उसका क्वालिटी फूड, टिकाऊ फल किस तरह से हमको मिले। इसे उदाहरण के लिए अभी हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, उसमें उत्पादकता भी बढ़ी है, उत्पादकता बढ़ने से लागत हमारी घटती है और मार्केट यदि उतार चढ़ाव आया तो उससे भी किसान को लाभ तो कम मिलता है लेकिन नुकसान में किसान नहीं जाने पाता। अभी हमने धान के क्षेत्र में पेडी ट्रांसप्लांटर का उपयोग किया, किसानों को केंद्र सरकार से जो अनुदान मिलता है उसके ऊपर टॉपअप दे करके, जैसे 2.5 लाख रुपए का पेडी ट्रांसप्लांटर है तो 1,44,000 रुपये अनुदान दिया और 1,06,000 रुपये किसानों को व्यय करना पड़ा। उसमें 15 दिन की नर्सरी सीधे मशीन में रख के उसकी नर्सरी को ट्रांसप्लांट होती है और कोनोविटर से उसकी गुड़ाई होती है। तो हमारी जो मैनुअल हम जो खेती करते थे या करते हैं उसमें भी 16 क्विंटल प्रति एकड़ का या 15 क्विंटल का उत्पादन होता था, इसमें एकदम 30 आया। तो जितना हम यंत्रों का उपयोग करेंगे समय पे खेती होगी, लागत घटेगी और जो कीट व्याधि से जो नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। तो इस तरह से रेजेंट फेरो पद्धति से जो हमारी बरसाती फसलों को सोयाबीन इत्यादि को बोलना, और आपका जो धारवाड़ पद्धति से नर्सरी तैयार करके डिबलिंग मेथड पर एक एक पौधे को 3 मीटर बाय 3 मीटर तक की दूरी पर लगाना, उस पौधे की ऊपर से कलियों को काट करके उसको चौड़ा करना जिससे दवाएं समय पर सींची जा सके, ज़्यादा हवा तूफान में उसके नुकसान ना हो। तो जो मौसम के का जो परिवर्तन का प्रभाव भी उसमें कुछ कम हो जाता है और कीट और जो फसलों को लगने वाली बीमारियां हैं उसके लिए ट्रीटमेंट भी हम समय पर कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी रहेगी तो प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश संश्लेषण ठीक से होगा और प्रकाश संश्लेषण ठीक से होगा तो फिर हमको फर्टिलाइजर भी कम लगेगा। तो ये सारी जो एक लाइन में कह सकता हूँ कि जो नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदैव अटल जी ने दिया था कि जय जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान, तो मैं प्रदेश के तथा देश के किसानों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हम अब जय विज्ञान की ओर बढ़ें और हमारे कृषि के जो वैज्ञानिक जो हमारी नई पद्धति खेती के हमको जिसका अपने अनुभव के आधार पे हमारे तक पहुंचा रहे हैं उसका अनुकरण करें। सर, एक आखिरी सवाल से जरूर पूछना चाहूँगा, बीज जो होते हैं मानक बीज होते हैं वो सही मात्रा में किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपने तकनीक की बात करी, कई ऐसे उपकरण हैं जिसको खरीदने को लेकर और बांटने को लेकर कई घोटाले सामने आ चुके हैं, अब आप क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की बातें सामने ना आए? हमने अपने विभाग में सारे पेमेंट सारी सब्सिडियाँ किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की नीति को लागू कर दिया है, तो बीच में किसी के भी हाथ में पैसा नहीं जाएगा। जो भी सब्सिडी की राशि अब हम सभी अनुदान एक ही योजना में किसानों खाते में दे रहे हैं, नंबर एक। इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैशलेस ट्रांजेक्शन की पूरे देशवासियों से अपेक्षा की और संदेश दिया उसको भी पूर्ति होगी। दूसरा रहा सवाल कि हम इससे भ्रष्टाचार को भी रोक सकेंगे, और तीसरा है कि जो हकदार है जो उसका पात्र व्यक्ति है जिसका चयन हुआ है उसको भी वो राशि मिलेगी, उसका सब्सिडी का अंश उसको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरीशंकर बिसेन जी। कृषि मंत्री तो कहीं ना कहीं साफ कर जाए कि तमाम जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आती थी उस पर रोक लगाने की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और ई तकनीक के जरिए यानी कि तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर भी किया जा रहा है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा विज्ञान की तरफ रुझान बढ़ाएं। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।